हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड्रॉयड ज्ञान। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप की जानकारी दूंगा जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऐप जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको उस ऐप के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही खतरनाक ऐप है और बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही भयानक ऐप या फिर बोले तो बहुत ही अच्छा ऐप है। तो अगर इस ऐप की पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए आए हो या फिर गलती से भी आ गए हो तो सब्सक्राइब की बना तो मत जाना, कि हमारे चैनल में इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाए जाते हैं। आप हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं हमारे वीडियोस किस टाइप के होते हैं। और हाँ, यह वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी नया लगे या कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू और बताते हैं आपको उस ऐप के बारे में जिस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस ऐप को आपको दिखा देता हूँ, उस ऐप का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह ऐप का नाम है अर्थ, साथ ही साथ इसका ओरिजिनल नाम है गूगल अर्थ। यह ऐप गूगल की तरफ से बनाई गई है, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सिंपली से अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर इसका नाम है गूगल अर्थ। इसका नाम देख लीजिए, गूगल अर्थ है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस गूगल अर्थ का मैप के बारे में आप क्या देख सकते हैं। आप अपने घर को इस तरह से देख सकते हैं, इसमें आपको के घर का नियरेस्ट क्या क्या है वो सब चीज़ पता कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है आपके घर के एरिया के बगल में। अगर कोई मैप में फोटो शूट करता है तो सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का लुक इसमें आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो कैसे करेंगे इस ऐप को, तो सिंपली मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया हूँ, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके पे काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं इस ऐप को पहले ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में आपको यह ऐप में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देने पड़ेंगे, इसमें कुछ कुछ बताया जाएगा या फिर कुछ भी आपको देखने का है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देख रहे होंगे यह मैप का स्टार्टिंग मुझे कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं जिस तरह से कर रहा था वो मैं यहाँ पर से कर रहा था। इस पर आपके टैप करते जाइए, आपको पूरे ऐसे तरीके से जानकारी मिलती जाएगी। उसके बाद आपका फ्रंट इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप चाहें तो इसमें आप कुछ भी यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं। आप इसमें देखिए स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अब मैं इस पृथ्वी को छू करके इधर उधर घुमा रहा हूँ, देख रहे होंगे मैं इसे छू लिया, उसके बाद इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आपके जगह के एरिया का क्या लोकेशन है, तो सिंपली से आप यहाँ पर टैप करें इस वाले ऑप्शन पे, आपको यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद से टैप करते साथ आपको एक लोकेशन का परमिशन मांगेगा, लेकिन आपको अपना लोकेशन ऑन करना पड़ेगा, तभी तो ये पता कर पाएगा कि आप कहाँ पर हैं। आप अपना लोकेशन देखिए, अब मैं अपना लोकेशन का ओपन कर दिया हूँ। उसके बाद फिर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देख लेंगे इसका इंटरफेस, अब देख लीजिए किस तरह से मैं इंडिया के किस जगह पर हूँ, ये पूरी अच्छे तरीके से जानकारी दे रहा है। उसके बाद ये धीरे 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 कर करके पूरा अच्छा से आपको आपका एरिया का लोकेशन को डिटेक्ट करेगा। आप देख ही रहे होंगे किस तरह से, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा कमज़ोर है दोस्तों, इसके कारण यह मुझे पूरी क्लीन तरीके से नहीं दिखा पा रहा, नहीं तो मैं इसे अब जूम करके दिखाता हूँ, यह क्लीन तरीके से दिखा रहा है। जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उस फ्लैट का यह आइकॉन दिखा रहा है, देख ही रहेंगे कितना अच्छा इसका आइकॉन है। इसमें एक और फीचर सा आपको देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, 3D या फिर आपका मतलब होता है डायरेक्शन, वो मैं 3D पे टैप करता हूँ, देखिएगा आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से डायरेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं 2D में ही ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसमें और कुछ जानकारी लेना है, तो यहाँ पर अगर किसी अपना गांव का बारे में जानना है तो यहाँ पर सर्च बॉक्स पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इधर में क्या अच्छा कोई पहले से फिर कोई देखने लायक है तो यहाँ पर टैप करके उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे। नियरेस्ट मतलब इधर मेरे नियरेस्ट ये सब पैलेस है, इधर आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कि ही आप यहाँ पर 3 डॉट पर टैप करते हैं, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा सीटिंग्स, और यहाँ पर एक फ़ोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फोटो का ऑप्शन को अब इसे ऑन करना है। सिंपली से आपको फोटो का ऑप्शन पर ऑन करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आप गौर से देखिएगा, देख रहे हो कुछ कुछ इमेज लोडिंग लेना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मेरे एरिया में
एक स्कूल है, जैसे कि यहाँ पर एक आपको यहाँ पर देखने मिल रहा होगा, एक फ़ोटो दिखने लगा मुझे। मैं अगर इस फ़ोटो पर टैप करता हूँ तो यह फ़ोटो मुझे दिखाता है, यह एक स्कूल है हमारे एरिया का, यह स्कूल है। और उसके बाद फिर ये फ़ोटो किसने अपलोड किया, किस तारीख को अपलोड किया, इस सब चीज़ जानकारी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस ऐप के बारे में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इस ऐप में कि क्या क्या फीचर्स हैं।